Hi students, today we are going to start the 11th class topic, that is so much easy topic, and you have studied this topic in the 9th class also, atomic number and mass number. Yes friend, आप जैसा कि जानते हैं atomic number और mass number हमारा बहुत ही easy और simple सा topic है जो हम 9th class में भी पढ़ चुके हैं. तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस. ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट की, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या मानते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर मानते हैं, बट दैट इज रॉन्ग. वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उस टाइम का एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. लेकिन एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस. की न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही हमारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा. इफ एलिमेंट एटम इज न्यूट्रल देन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये स्पेसिफिक कंडीशन है, याद रखना कि अगर एटम न्यूट्रल है उस केस में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उस एटम के पास वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा. अदरवाइज अगर एलिमेंट न्यूट्रल नहीं है, अगर एटम्स न्यूट्रल नहीं है, उनके ऊपर कुछ चार्ज प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हमारा क्या काम किया जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज द एटॉमिक नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. ठीक है, इसको जेड से हमें रिप्रेजेंट करते हैं. आइए अब हम करते हैं हमारा मास नंबर के बारे में. इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के सम को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मास नंबर. सम होता है हमारा, अगर ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट रिप्रेजेंट्स द ए, और यू कैन से द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट. हम इसको मास नंबर बोलते हैं. अगर हमें एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोटेशन ऑफ एलिमेंट को करते हैं तो हम एक्स के मार्क से या एक्स सिंबल से हम एलिमेंट का कोई भी सिंबल है जो केमिकल सिंबल हमने ऑलरेडी क्लास में स्टडी की उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जेड नीचे लिखा जाएगा और ए अब वो लिखा जाएगा. ये केमिकल सिंबल होगा, एटॉमिक मास और यू कैन सी ना मास नंबर. अब ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर. बात समझे? ओके, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, C12 ठीक है, क्लोरीन 70 35, सोडियम 11 and so on. सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला.
तो अब हम इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इनकी टाइप्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट वी स्टार्टिंग फ्रॉम द आइसोटोप्स। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सच एटम्स, कुछ ऐसे एटम होते हैं, एटम विच हैव सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के होते हैं। मेन आइसोटोप हमेशा याद रखना कि एलिमेंट एक ही होगा। सच एटम्स विच हैव सेम एलिमेंट एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका मास नंबर क्या स्टूडेंट? डिफरेंट हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। आइसोटोप्स में अगर मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं तो आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट इज दैट, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, ठीक है। ये हमारे एक प्रकार से एग्जांपल है किसका, आइसोटोप्स का। इसको फर्स्ट को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो और भी हमारे एग्जांपल प्रेजेंट है, जैसे कार्बन का 6 14, ठीक है। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये हमारे आइसोटोप है कार्बन के। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, दैट इज आइसोबार। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारा पोटेशियम दैट हैव 14 एंड एटॉमिक नंबर है 19, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक मास नंबर 40, कैल्शियम दैट हैव एटॉमिक नंबर 20 एटॉमिक मास 40। तो सभी का एटॉमिक मास नंबर क्या सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। सो दीज आर द आइसोबार्स, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, ये हमारे क्या हैं, एक प्रकार से आइसोटोप होते हैं। इसी विभाग पे हमारे क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या समझ सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द
which have the same number of electrons, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं तो सिंपली आर्गन पोटासियम पॉजिटिव कैल्शियम पॉजिटिव, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रॉन का। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज फॉर ऑल टुडे क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेक द नोट्स एंड लर्न दिस टॉपिक्स। थैंक यू।